किसी किसी टीवी में 2 घंटे 1 घंटे यानी 2-3 घंटे बाद भी पिक्चर आती है, ऐसा भी देखा गया है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो कंडीशन है टीवी की, चूँकि इस कंडीशन में हमको मिला और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसा कि पहले बताए थे कि इसमें जो बार बार सीआरटी बेस चेंज करते हैं या पिक्चर बहुत देर में आता है, तो वहाँ सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि कुछ लोगों ने कहा था कि उसे प्रैक्टिकली दिखाइए, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे। सबसे पहले इस कंडीशन में अगर पिक्चर हमारी जो है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आती है या 10 मिनट बाद आता है, तो वहाँ सबसे पहले हम जो है हीटर के वोल्टेज को चेक करेंगे यानी फिलामेंट वोल्टेज को चेक करेंगे। और आप देख भी सकते हैं ध्यान से कि हीटर हमारा जल रहा है कि नहीं। और देखने का मतलब ये है कि कभी कभी हीटर के पिन पे भी जो है कार्बन आते हैं, तो वहाँ भी जो है स्टार्टिंग में जो है ठीक से वहाँ पे जलेगा नहीं, यानी फिलामेंट हमारा ठीक से जलेगा नहीं, बहुत कम दिखाई देगा। और वही कंडीशन यहाँ पे है क्योंकि वोल्टेज 5 वोल्ट हमारे जो एसी मिल रहे हैं फिलामेंट पे, वो यहाँ मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिखा दें, ये देखिए अभी जिसे बहुत कम जल रहा है, अभी देखिए थोड़ा सा बढ़ेगा, और क्योंकि हमने जो है अब इस समय देखिए बढ़ रहा है, यानी ये कुछ देर बाद बढ़ता है। उसके बाद भी देखिए यहाँ पे नो लाइट, यानी कोई पिक्चर या रास्टर वहाँ पर हमारा स्क्रीन पे नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ये हम एक काम करेंगे, हीटर चेक करेंगे, कैथोड वोल्टेज और ये स्क्रीन वोल्ट, ये हम तीनों जो है किसी एक का कैथोड और हीटर और स्क्रीन, ये चेक करके मालूम हो जाता है कि रोशनी आनी चाहिए। यानी ये टेस्टिंग का एक आइडिया बता रहे हैं आपको, जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो नहीं जानते हैं जैसे नए हैं, तो यहाँ पे डीसी वोल्ट पे आप यहाँ पे हाई रेंज पे रख के चेक कर सकते हैं, और कैथोड वोल्टेज भी डीसी वोल्टेज की तरह चेक कर सकते हैं, केवल हीटर वोल्टेज एसी में चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको हम दिखा दें कि ये पोजीशन क्यों ऐसा है, जैसा कि हम अगले वीडियो में बताए हैं, ये हम बहुत छोटा सा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा कट कर दे रहे हैं कि ज़रूरी ज़रूरी आपको दिखाएं, क्योंकि आपका समय जो है बेकार न जाए। ये देखिए इस कंडीशन में आप देखते हैं तो तुरंत सीआरटी बेस को ही चेंज करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। लेकिन मैं बताऊंगा कि इसके अलावा भी कुछ काम करिए कि जिससे जो है वो हमेशा के लिए भी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और वो कैसे, अभी आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो है जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ये कैसे कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल इसमें भी हम दिखा देते हैं कि इस ब्लेड के द्वारा जो है आप इस सॉकेट को ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए ये सॉकेट अगर आप पुराना रखे हैं किसी टूटे ट्यूब से, तो अगर आप इसको हल्का ना लीजिए, ये भी चेंज अगर कर देंगे साफ़ करने के बाद, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जैसे सीआरटी बेस आप चेंज करते हैं, लेकिन ये सॉकेट नहीं चेंज करते, क्योंकि इसके इंटरनल एक लेयर बन जाता है जहाँ मॉइस्चर रहता है, लेकिन आप साफ़ भी कर सकते हैं और साफ़ करके लगा सकते हैं, यानी फोकस के पिन जहाँ हैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसके सारे पिनों पे कार्बन देख सकते हैं, अभी ये स्टार्टिंग कंडीशन है जो कि कुछ ही पिनों पे जो है कार्बन है, और फोकस के पिन पे जो है यहाँ ऑक्साइड जमा हुआ है ग्रीन कलर का। उसे देखिए कैसे क्लीन करेंगे, पहले अपना भी आइडिया आप लगा सकते हैं, मैं एक साफ़ करने का आपको बताऊंगा कि कैसे साफ़ किया जाता है, आप वहाँ किसी चीज़ से अपने भी आइडिया विचार से सही कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ फार्मूला, वो आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक मैं बहुत हल्के हाथ से, क्योंकि पिनें जो हैं वहाँ सड़ी होती हैं, इसलिए प्रयास करें उस पर पिन पे ज़्यादा दबाव ना दें, क्योंकि दबाव देंगे तो ये पिन निकल जाएगा और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि पिन टूटने के बाद आप वहाँ पे जो है सिर्फ़ उसका भी सलूशन है हम बताएंगे आपको बाद में। फिलहाल इसमें आप देख लें, इसे जो है पहले थिनर से साफ़ करके, यानी इनसे थिनर जो है उसे क्लियर कर लें, उसके बाद फिर बचता है कार्बन, यानी जो उस पर लगा हुआ है जो निकल नहीं रहा है, उसे हम एक ब्लेड के द्वारा
इसी ब्लेड से पूरा क्लीन करेंगे और बढ़िया से साफ़ करेंगे, ज़रा सा भी उसमें खुदरापन ना रहे, यानी फ्रेश रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बन या ऑक्साइड जब चढ़ते हैं, जब उसके आसपास एरिया मॉइस्चरिंग होता है, यानी जैसे भाप निकलता है, यानी हीटिंग से जब वो वहाँ पे गर्म होगा और नमी और गर्मी दोनों के द्वारा जो यानी जो कंडीशन बनते हैं उसी वजह से यहाँ पे जो सल्फ़र जम जाते हैं, यही कारण है। तो यहाँ पे आपको क्लीन करने के बाद इसके बेस को भी जो है क्लीन करना है, और इसके जहाँ पे बेस लगता है इसे भी आप क्लियर कर लें पूरी तरीके से। और क्लियर करने के बाद सीआरटी बेस एक नया लगाएं, और नया लगाने के बाद उसे सोल्डिंग करें, और वो भी बहुत ही क्लियर और परफेक्ट सोल्डिंग करें पिनों को, यानी उसमें गैप ना हो या ढीलापन ना हो, क्योंकि हम कभी कभी जो है सोल्डिंग ऊपर से कर देते हैं लेकिन पिन हमारा ठीक से पकड़ता नहीं। इसलिए आपको एक बार पिनों पे जो है सीआरटी पिन के जो बेस हैं उस पर एक बार अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन से रखा हुआ है तो उसे क्लीन करके उसके बाद सोल्डिंग करें। और इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, क्विक पिक्चर आपको दिखाई देगा। और ये आइडिया जो हमने बताया है इस पर आप अपना भी आइडिया लगा के किसी भी तरीके से इसे आप ओके करें। और मैं यही कहूँगा जैसे आप सीआरटी बेस चेंज करते हैं तो ऐसे जो है इसका जो पिन का सॉकेट है यानी पिक्चर ट्यूब के सीआरटी का, वो कहीं टूटा हुआ अगर है या आपके पास इस समय बहुत पुराने होंगे उसे आप वहाँ पे पहना दें, या उसे इंटरनल फोकस पिन के जो गैप हैं वहाँ पे क्लियर कर दें और साफ़ करके फिर से लगाएं सेट। ओके।